कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे उन मन बुद्धि लोगों की, उन अकल के दुश्मनों की, जो कि नॉर्थ ईस्ट वालों को ये बोल रहे हैं गो बैक टू चाइना, कोरोना वायरस। खैर, सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स में अभी तक सिर्फ 55 एक्टिव केसेस हैं, ठीक है, जो कि दिल्ली, मुंबई या किसी भी बड़े शहर की एक कॉलोनी से भी कम है। मैं बात कर रहा हूँ 7 स्टेट में सिर्फ 55 केसेस होने की, ठीक है ना। वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं और अपने आस पड़ोस का भी ध्यान रख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर ही सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वाले रह रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, हर जगह से लोग नॉर्थ ईस्ट में भी हैं वहाँ पे, बल्कि सबका ध्यान रखा जा रहा है, घर घर राशन पहुँचाया जा रहा है। जब यहाँ की बारी आती है यहाँ के लोगों की, तो कम से कम यहाँ की भी एक लोगों की भी एक समझदारी बनती है, एक इंसानियत बनती है कि वो भी जाके पता करें कि कैसे हो, क्या हो, ठीक हो, तुम हमारे शहर में हो, किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, बस प्यार से पूछ ही ले। बजाय इसके कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनसे मकान खाली करा रहे, इन्हें कोरोना वायरस बुला रहे, इनको धमकियाँ दे रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, कहीं पे राशन नहीं दे रहे। ऐसा कब तक चलेगा? इंडिया में हो, इंडियन हो, कम से कम पता होना चाहिए ना इंडिया में कितने स्टेट्स हैं। 29 स्टेट्स हैं, इनके हिसाब से तो दोस्तों 22 स्टेट्स रह जाती है अगर नॉर्थ ईस्टर्न को हटा दें तो। ऐसा तो चल नहीं सकता। और अगर मेरी बातों पे विश्वास ना हो तो इंडियन आर्मी से पूछ लो भाई, क्योंकि वो भी वहाँ पे पहरा दे रही है, बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही है दिन रात। तुम लोग उनकी मेहनत को भी एक बार में हवा कर देते हो, ठीक है। और दूसरी बात, गो बैक टू चाइना। अरे भाई, गो बैक टू चाइना? चाइना क्यों? पूरा वर्ल्ड टूर कराएंगे, आप स्पॉन्सर करो। हाँ, सही बात है, पूरा वर्ल्ड टूर कराएंगे। गो बैक टू चाइना यार, दोस्तों कुछ नाम सुनाना चाहता हूँ आपको, शायद इससे आप लोगों को कुछ आइडिया चले। मैंने भी थोड़ी रिसर्च करी है। जगदीश मुखी, आर एन रवि, पी एस श्रीधरन पिल्लई, बी डी मिश्रा, नजमा हेपीतुल्ला, आर एन रवि, रमेश बैस, ये सारे गवर्नर के नाम हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में हैं इस वक्त, ठीक है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट चाइना का हिस्सा होता तो फिर ये इंडियन गवर्नर वहाँ पे क्या कर रहे होते? मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पे इंडियन करेंसी चलती है, हिंदी में बात होती है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट वालों से भी ये पूछोगे ना आपके प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो वो भी यही बोलेंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हो, थोड़ी सी अकल चलाओ यार। इंडिया का मैप देख लो, गूगल है, स्मार्टफोन है, आजकल हर इन्फॉर्मेशन एक क्लिक पे मिल जाती है, फिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे भी समझ में नहीं आता यार, जब मैं ऐसी खबरें देखता हूँ ना फ्रेंड्स, दिमाग हिल जाता है अंदर से। जहाँ पे यूनिटी, डाइवर्सिटी, ऐसी ऐसी बातें होती है, दूसरी तरफ आप ऐसी हरकतें करते हो। अगर नॉर्थ ईस्ट चाइना में, तो यार 300 साढ़े 300 बार तो मैं ही चाइना जाके आ गया हूँ बिना पासपोर्ट के, वो भी इंडियन करेंसी लेके। अभी तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी नहीं देखी, बताओ। हे भगवान, कैसे ठीक होगा? चलो एक और एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। सोचो कि आप लोगों के अपने बच्चे किसी और स्टेट में फंसे हुए होते इस वक्त लॉकडाउन की वजह से, और उनके साथ कोई बुरा व्यवहार करे, तो आप लोगों को कैसा फील होता? बुरा लगता ना? वैसे ही यार, इन लोगों के भी पेरेंट्स हैं, इन लोगों का भी घर परिवार है, इतनी दूरी है अपने अपने घरों से, यहाँ पर हैं लॉकडाउन की वजह से हैं, ठीक है। आप कम से कम प्यार से पूछ ही लो, हाँ भाई सब ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? इतना पूछ लोगे यार, भाईचारा बढ़ जाता है। मैं अपनी कंट्री के लिए जब भी कोई ऐसा मैसेज होगा जिससे कि एकता बढ़े, मैं ज़रूर आऊँगा। प्लीज़, अगर आप लोग आज तक ये सब करते आ रहे हो तो अब बंद कर दो यार, टाइम आ गया है सोच को बदलने का। थैंक यू।